हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति। आप सभी का फिर से स्वागत है कीर्ति किचन में। आज हम बना रहे हैं किचन में मूंगफली और गुड़ की चिक्की। और मकर संक्रांति आ रही है और हम खाएंगे अपने हाथों से बनी हुई मूंगफली की चिक्की। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें 1 कप भुनी हुई मूंगफली, 1 कप गुड़, 1 टीस्पून घी। मूंगफली को मैंने पहले से ही भून लिया था और गुड़ को मैंने क्रश कर लिया, जिससे गुड़ जल्दी गल जाते हैं, और घी गुड़ में डालने के लिए। अब हम मूंगफली को 1 कपड़े में ले लेंगे और उसका छिलका छुड़ाएंगे। ऐसे रगड़ के, इसको रगड़ते हुए ऐसे रब कर लेंगे और इसका छिलका छूट जाएगा। ऐसा रब करने से छिलके जल्दी छूट जाते हैं। तो देखिए, छिलका पूरी तरह से अच्छी तरह से छूट गया है। अब इसमें बहुत ही कम कोई भी रह गएंगे। अब इसे थाली में ले लेंगे और हम इसको मूंगफली और छिलका अलग करेंगे। चावल की तरह से फटकते हुए हम छिलका और मूंगफली अलग कर लेंगे। देखिए, ऐसे करने से छिलके इसके अलग हो जा रहे हैं। छिलके हल्के होते हैं, इसीलिए आसानी से निकल जा रहा है। बस देखिए, मूंगफली साफ हो गई। अब इसे बनाने के लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे, उसमें घी डाल देंगे, उसके बाद उसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद उसे हम चलाते रहेंगे। गैस को हम मीडियम और स्लो ही रखेंगे। जब तक गुड़ गलता नहीं है तब तक तो हम मीडियम पे रख लेंगे। गुड़ गलने के बाद हम इसको बस स्लो ही रखेंगे। देखिए, गुड़ गलना शुरू हो गया है। अब जल्दी ही गुड़ गल जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। अब देखिए, मेरा गुड़ अच्छे से होने लगा है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखने के लिए हम पानी में गुड़ को डाल देंगे, और अगर पानी में गुड़ हिलता नहीं है तो समझो ये तैयार है आपका। अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे, क्योंकि हमारी गुड़ तैयार है पट्टी के लिए। अब इसमें हम मूंगफली डाल के अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिला लेते हैं जल्दी से, और गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस ऑफ कर दिए हैं। अब मैंने अपने स्लैब पे ही घी लगा लिया है और यहीं को पट्टी को फैला लेंगे हम। अब मैं इसमें से मूंगफली और गुड़ निकाल के इसको फैलाना स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। नहीं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुड़ ठंडा हो जाएगा, और गुड़ ठंडा होने के बाद फिर इसको हम कोई भी शेप नहीं दे सकते हैं। बस अब इस पर रोलर चला लेंगे हम। रोलर से अच्छा शेप आ जाता है, सेट हो जाता है, और रोलर से ही हम इसको साइड से भी सही कर लेंगे। ऐसे ऐसे दबा कर देंगे, दबा देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अभी ये थोड़ा गर्म है तो इस पर हम चाकू से काट के इसको हम स्क्वायर में कट कर लेंगे। अगर पूरी तरह से अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये कट नहीं सकता है, फिर इसको हमको तोड़ के ही खाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा गर्म होने पे ही हम इसको शेप में काट लेते हैं। शेप में काटने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे, सेपरेट करेंगे इसको हम। बस अब इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अभी देखिए, ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, पीस करेंगे इसका अलग अलग। अब देखिए, हमारी चिक्की तैयार है। अब आप इसे इस मकर संक्रांति पे बनाइए और खाइए। हमें कमेंट करके बताइए कैसा बना, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।